यस गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं क्लास फोर्थ की हिंदी लेने जा रही हूँ जिसमें अपना चैप्टर है सिक्स अंधत्ता हाथी, यानी हाथी की क्या विशेषता होती है, जिसमें मैंने आपको शब्दार्थ करवा रखे हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आप देख लेना। प्रस्थान किया, चल दिए। विपरीत यानी उल्टा, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, प्रबंध यानी व्यवस्था, काल यानी समय, जायका यानी स्वाद, सम्मान यानी आदर, अग्रभाग यानी आगे का भाग। ठीक है ना बेटा, इसके बाद है आपके सुमेल लीजिए। क्वेश्चन नंबर ख, क्वेश्चन नंबर ख पे आ जाइए। 23 नंबर 28 चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर ख, मिलान कीजिए। यस, फर्स्ट है प्रश्न का उत्तर, नेक्स्ट है हाथी के दांत, नेक्स्ट है मांस न खाने वाले, नेक्स्ट है मांस खाने वाले, हस्तदंत मांसाहारी जवाब, नेक्स्ट है सहकारी। यस, आपको अब इसको मैच करना है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर किससे मैच होगा? जवाब से। किससे मैच होगा? जवाब से। फिर है हाथी के दांत, तो हाथी के दांत किससे होगा? हस्त, उसे क्या बोलते हैं हम? हस्त दंत। क्या बोलते हैं? हस्त दंत। नेक्स्ट है मांस न खाने वाला, जो मांस नहीं खाता है क्या कहलाता है? शाकाहारी। क्या कहलाता है? शाकाहारी। मांस खाने वाला क्या कहलाता है? मांसाहारी। क्या कहलाता है? यस, एक बार वापस रिपीट कीजिए। प्रश्न का उत्तर जवाब, हाथी के दांत क्या कहलाते हैं? हस्तदंत। मांस न खाने वाला शाकाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी। ठीक है ना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सरना। तो ये आपको बुक में से सेल्फ ही लिखना है। सरना जो शब्द संज्ञा स्थान के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सरना। ये परिभाषा आपको अपनी नोटबुक के अंदर ऊपर हेडिंग डालनी है, सर्वनाम हेडिंग डाल दी। नेक्स्ट आप लिखोगे सरना की परिभाषा, सरना जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्व नाम कहते हैं, जैसे वह मैं वे हम आदि। यस, सरना जो शब्द संज्ञा के स्थान
पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्व। एक बार वापस रिपीट करोगे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, मैं, वे, हम आदि। क्लियर। इसके बाद आपके हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये भी आपको लिखना है, बुक में से सेल्फ लिखना है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पहला है पुरुषवाचक, सेकेंड है निश्चयवाचक, थर्ड अनिश्चयवाचक, फोर्थ है संबंधवाचक, फाइव है प्रश्नवाचक, सिक्स है निचवाचक। आपको ये करने के बाद सर्वनाम के भेद आपको स्वयं लिखने हैं बुक में से, ठीक है ना? इतना ही आपको वर्क करना है आज के लिए। यस, जय श्री कृष्णा।